हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। बात कर रहे हैं टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड। आज के दिन स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, 2% का डाउन ट्रेंड है। कल के दिन स्टॉक में सर्किट लगा था और ये जो अपर सर्किट है पिछले कई दिनों से हमें देखने को मिल रहा है। एक महीने पहले की बात करें तो एक महीने में 5.13% का नेगेटिव रिटर्न, 6 मंथ में हमें अभी भी पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलता है। 2021 में भी अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती, यानी कि 1 जनवरी 2021 को पैसा लगाया होता, तो आपको TTML का एक स्टॉक 7.85 रुपये में खरीदने को मिलता। और आज आप प्राइस देख चुके हैं। एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले जितने भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, बहुत ही सस्ते में खरीदा है आप लोगों ने। 3.35 रुपये के लेवल पर स्टॉक मिल रहा था आज से एक साल पहले। अगर बात करें पिछले 5 सालों की, तो पिछले 5 सालों में भी 545% तक का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। तो कुल मिला के यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि 6 मंथ में अच्छे रिटर्न है, 1 साल में अच्छे रिटर्न है, 5 साल में अच्छे रिटर्न है, और अगर मैक्सिमम हिस्ट्री को देखा जाए तो यहाँ पर भी अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म का पेशेंस अगर आपने यहाँ पर रखा है तो आप लोगों ने यहाँ पर पैसा बनाया है। और जितने भी लोगों ने जल्दबाजी की है, स्टॉक के डाउन ट्रेंड को देखते हुए स्टॉक सेल किया है, प्रॉफिट बुकिंग की है, उन लोगों को यहाँ पर लॉस देखने को मिला होगा। तो अभी के टाइम पे क्या करना चाहिए दोस्तों, देखिए स्टॉक अभी भी गिरावट नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1 मंथ का हम टारगेट देख रहे हैं, तो 1 मंथ में कई बार डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। यानी कि स्टॉक जो है कंसोलिडेशन में जाता है, वापस से रिवर्सल आती है, वापस से गिरावट, वापस से तेजी, और इसी तरह का माहौल पिछले 2-3 महीनों से देखने को मिला है। और स्टॉक जो है 35-36 रुपये के लेवल पर टिका हुआ है, और इस लेवल के बाद अगर तेजी आती है तो स्टॉक में भयंकर टारगेट, यानी कि बहुत हायर लेवल के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ये तेजी कब आने वाली है, देखिए दोस्तों अभी कोई भी न्यूज़ नहीं है। जब तक कोई न्यूज़ नहीं आती सुपर ऐप को लेकर, क्योंकि बैड न्यूज़ थी वो निकल चुकी हैं, बैड न्यूज़ का अगर असर पड़ना होता टाटा टेली सर्विसेज के स्टॉक पर तो वो अब तक पड़ चुका होता, यानी कि जितनी गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। अगर कोई और बड़ी बैड न्यूज़ आती है तो यहाँ पर स्टॉक काफ़ी लोअर लेवल पर जा सकता है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्वेस्टेड हैं तो होल्डिंग बना कर रखिए, सेल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं अपनी हर वीडियो में इस चीज़ पर फोकस करता हूँ कि टाटा टेली सर्विसेज का स्टॉक जो है आपको एक अच्छे खासे रिटर्न देने की ताकत रखता है। बस आपको केवल यहाँ पर पेशेंस बनाकर रखना है, क्योंकि देखिए बैड न्यूज़ निकल चुकी हैं, अब रह गया है क्लैरिफिकेशन। तो क्लैरिफिकेशन होने के बाद डेट्स अनाउंस होंगी, और भी अगर कोई पॉजिटिव फिगर यानी कि Q2 के रिजल्ट में अच्छा परफॉर्म कर जाता है स्टॉक, तो यहाँ पर और ज़्यादा चांसेस हैं स्टॉक में अपर सर्किट और तेजी को देखने के लिए। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, लंबे समय का फोकस रखिए, लॉन्ग टर्म का फोकस रखेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न बनाकर निकलेंगे। तो गाइस, जैसे ही कोई बड़ा अपडेट निकल कर आता है सुपर ऐप को लेकर या टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड को लेकर, आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।